अलगाववादी नेता यासीन मलिक गिरफ्तार, सर्वोच्च न्यायालय में 35A की सुनवाई से पहले हुई कार्रवाई। राफेल डील पर फैसले की होगी समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय 26 फरवरी को करेगी सुनवाई। असम के गोलाघाट में कई लोगों की मौत, अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत, मौत की वजह जहरीली शराब। मुलायम और अखिलेश के खिलाफ बेहिसाब संपत्ति का मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, 2013 आकलन में संपत्ति ऐसे 24 करोड़ रुपए अधिक पाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा पुलवामा हमले के बाद हालात बेहद खतरनाक, ट्रंप ने कहा कुछ बड़ा करने जा रहा है इंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन पंडित और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों पर व्यापक कार्रवाई के संकेतों के बीच शुक्रवार को रात जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक को हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, हालांकि अभी किसी और के हिरासत में लिए जाने की पुष्टि नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक अनुच्छेद 35A पर 26 फरवरी के आसपास सुनवाई की जाएगी, इसी वजह से एहतियातन यासीन मलिक को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच घाटी में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस यासीन को कोठी बाग थाने ले गई। आपको बता दें कि कश्मीर प्रशासन द्वारा अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा को वापस ले लिया गया था। एशिया के सबसे बड़े मिलिट्री एविएशन शो एयर इंडिया 2019 में आज दूसरा बड़ा हादसा हुआ है। कार्यक्रम स्थल के नजदीक कार पार्किंग में आग लगने से 200 से अधिक गाड़ियां जलकर राख हो गई है। हादसे की वजह से शो को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। दमकल विभाग आग पर काबू करने में जुटा हुआ है। आगे आग कैसे लगी फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि शो शुरू होने से एक दिन पहले ही रिहर्सल के दौरान दो विमान आपस में टकरा गए थे, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई थी। अब यह शो का दूसरा बड़ा हादसा सामने आया है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रही है। खबर है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक बार फिर लड़ाई लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से के बाद मनमोहन सिंह राजनीति में सक्रिय नहीं थे, हालांकि अब वे दोबारा राजनीतिक सभाओं में सक्रिय नजर आते हैं। मनमोहन सिंह ने 10 साल गठबंधन में ही सरकार चलाई है, ऐसे में माना जा रहा है कि उनके चुनाव लड़ने से कांग्रेस का महागठबंधन की पार्टियों से तालमेल बेहतर हो सकता है। असम के गोलघाट जिले में पिछले लगभग एक साल पहले दायांग चाय बागान घटना की तरह ही बृहस्पतिवार की रात हालमीरा चाय बागान की अब तक 60 से अधिक लोगों की अस्वाभाविक मौत हो चुकी है। इनमें अधिकतर चाय श्रमिक हैं। इतनी भारी संख्या में अचानक लोगों की मौत होने की वजह से जहरीली शराब पीना बताया जा रहा है। इस घटना के बाद से ही इस पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। फिलहाल वजह जो भी हो, स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और बागान मालिकों की जिम्मेदारी बताया है। हालमीरा बागान अंचल में श्रमिकों के बीच शोक पसरा हुआ है, तो वहीं स्थानीय हालमीरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस पूरे मामले पर असम से हमारे साथ में ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं प्रमोद मल। प्रमोद जी, इस पूरे मामले पे क्या अपडेट है? हाँ अर्जुन, देखा जाए तो अभी कुछ देर ही पहले असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम के जोरहाट मेडिकल कॉलेज में आकर उपस्थित हुए जी। और
यहाँ के लोगों से आकर मिले और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपनी सीख में जो लोग भी इस पूरे घटने के साथ जुड़े हुए उनको गिरफ्तार किया जाएगा और किसी भी दोषी को माफ नहीं किया जाएगा और पूरे असम मेडिकल कॉलेज के जितने भी प्रिंसिपल सुप्रिंटेंडेंट हैं सभी को बुला के उन्होंने एक मीटिंग दिया। मीटिंग में उन्होंने यही किया कि अति शीघ्र इस पूरी घटने का न्यायिक जांच हो और जो भी इस घटने पर दोषी है उसे तुरंत ही पकड़ा जाए और जितने लोगों जिन जिन लोगों को मृत्यु हुई है उन लोगों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता करने के लिए घोषणा भी की मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। आप मुझे ये बताइए यहाँ पे प्रमोद जी की जिस तरीके से ये पूरा शराब माफियों का नेक्सस है इसको किस तरीके से असम पुलिस डिकोड कर पाएगी? देखा जाए तो ये घटना होने के बाद ही अभी पूरे असम में आबकारी विभाग और तथा पुलिस के द्वारा पूरा अभियान चलाया जा रहा है। असम के विभिन्न जिलों में तिनसुकिया गुवाहाटी से लेकर कई जिलों में आबकारी विभाग का अभियान चलाया जाए जहाँ भी ऐसे अवैध शराब की दुकानें या अवैध शराब बनाने के कारखाने हैं सबको तोड़फोड़ कर जब्त किया जा रहा है सारे सामानों को और इस पूरे व्यापार से जो लोग इससे जुड़े हुए हैं सभी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब देखा जाए तो इस घटने के बाद पूरा प्रशासन आबकारी विभाग सारा जस चुका है। अर्जुन प्रमोद जी इस पूरे मामले में पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है और क्या कुछ उनका एक्शन प्लान है? देखा जाए तो इस पूरे घटने में अभी तक कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। विभिन्न जिलों से खबरें आ रही है कि जहां जहां छापा मारा जा रहा है वहीं जिसको भी पाया जा रहा है गिरफ्तार करके लाया जा है पूरे घटने के ऊपर। मुख्यमंत्री के निर्देश देने के बाद ही तुरंत आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन पूरे इस शराब इलीगल जो शराब है उसके विरोध में एक अभियान जारी कर दिया है। अभियान फिर कर सभी लोगों को पकड़ रही है। अर्जुन प्रमोद जी इतने अभी तक जो ताजा अपडेट है इसमें कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कितने लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं? अभी तक देखा जाए तो 80 के ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा अधिक लोग अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई से जूझ रहे हैं जोरहाट मेडिकल कॉलेज में। प्रमोद जी इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? स्थानीय लोगों का यही कहना है कि इसी आज जैसे आबकारी विभाग तथा पुलिस प्रशासन जिस तरह अभियान चला रही है यही अभियान अगर कुछ दिन पहले अगर इसी तरह कड़ा अभियान इतनी बड़ी घटना नहीं होती। स्थानीय लोगों का कहना है कि आबकारी विभाग और पुलिस की लापरवाही के कारण ही इतना बड़ा घटना होने के पाया हो पाया। अर्जुन प्रमोद जी इस पूरे मामले में से संबंधित विभाग के अधिकारियों से क्या कुछ आपकी बात हो पाई है? देखा जाए तो अर्जुन पूरे घटना को लेकर संबंधित जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं उनको लेकर सीएम ने एक मीटिंग कॉल किया कुछ देर पहले। मुख्यमंत्री ने उन्हें निर्देश दिया कि अति शीघ्र इस घटना पे जो लोग भी दोषी है उन्हें तराश किया जाए पकड़कर दोषी को तुरंत सजा दी जाए। अर्जुन प्रमोद जी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया लेकिन यहाँ पे सवाल खड़ा हो गया कि आखिरकार इतने सारे मौत के लिए गुनहगार कौन जिम्मेदार कौन? बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर मांग की है कि सीबीआई को मुलायम अखिलेश और प्रतीक यादव की संपत्तियों की जांच की रिपोर्ट अदालत में रखने का निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि जांच पूरी हो गई थी और पहली नजर में पाया गया था कि यादव परिवार के खिलाफ ऐसे अधिक संपत्ति का मामला बनता है। इस जांच को 6 साल बीतने के बाद भी सीबीआई ने रिपोर्ट किसी अदालत में पेश नहीं की। 2013 में किए गए एक अदालत में आकलन में यह संपत्ति ऐसे 24 करोड़ रुपए अधिक पाई गई थी। उल्लेखनीय है आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2007 में चतुर्वेदी की जनहित याचिका पर सीबीआई को मुलायम अखिलेश और पत्नी डिंपल और भाई प्रतीक यादव की संपत्तियों की जांच करने का आदेश दिया था। हालांकि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने डिंपल यादव को इस मामले से यह कहकर बाहर कर दिया था कि वो किसी सार्वजनिक पद पर नहीं थी। राफेल डील पर फैसले की होगी समीक्षा। सभी अर्जियों पर सर्वोच्च न्यायालय ने 26 फरवरी को करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट 36 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद से संबंधित भारत और फ्रांस के बीच के सौदे को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज करने के अपने 14 दिसंबर के फैसले की समीक्षा करने की मांग संबंधी दो अर्जियों पर 26 फरवरी को सुनवाई करेगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की अर्जी पर भी सुनवाई करेगी। सिंह ने भी 14 दिसंबर के फैसले की समीक्षा की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 को वे सारी याचिकाएं खारिज कर दी थी जिनमें न्यायालय की निगरानी में 58,000 करोड़ रुपए के लड़ाकू विमान सौदे की सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध किया गया था। न्यायालय ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि इन विमानों की खरीद का निर्णय लेने की प्रतिक्रिया पर वास्तव में संदेह करने की कोई वजह कोई कारण नहीं है। फिलहाल यहां पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। पहाड़ों की पीड़ा, मैदान की वेदना, सरकार और राजनीति से जुड़ी उत्तराखंड की हर रोज छोटी बड़ी खबर। जिससे हो आपका सरोकार, हर खबर हर पल केवल नेशन लाइफ पर। मनुष्य का जीवन कठिन है, उसे जरूरत है दिशा की। अध्यात्म से मिलेगा ज्ञान। देखिए अध्यात्म दर्शन नेशन लाइफ पर। अलगाववादी नेता यासीन मलिक गिरफ्तार, सर्वोच्च न्यायालय में 35A की सुनवाई से पहले हुई कार्रवाई। राफेल डील पर फैसले की होगी समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट 26 फरवरी को करेगा सुनवाई। असम के गोलाघाट में कई लोगों की मौत, अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत, मौत की वजह जहरीली शराब। मुलायम और अखिलेश के खिलाफ बेहिसाब संपत्ति का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2013 आकलन में संपत्ति ऐसे 24 करोड़ रुपए अधिक पाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा पुलवामा हमले के बाद हालत बेहद खतरनाक, ट्रंप ने कहा कुछ बड़ा करने जा रहा है इंडिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी सरकार जनता से संवाद स्थापित करने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। भारत के मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम के तहत पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई से मिलने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे पहुंची। सरोज पांडे ने तीजन बाई का हालचाल पूछा। सरोज पांडे ने एक घंटे तक उनसे बातचीत की। वहीं पंडवानी गायिका तीजन बाई ने अपने संघर्ष के बीते दिनों को याद किया और कहा कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनसे बस यही कहना चाहती हूं कि कलाकारों की ओर से वो ध्यान दे और कला संस्कृति के संरक्षण में काम करे, कलाकारों को मंच प्रदान करे जिससे उनका जीवन यापन हो सके। मानकर वो कि गरीब अमीर जो भी पर कलाकार है तो तक बड़े आदमी तो नहीं रहे कलाकार मन, आज कमाना है तो कल खाना है, इसना वाला जीवन चलते हैं। एकर खातिर सरकार से हमन
मांग यही करत हन कि ओकर मन के जीवन रोटी चलाए के खाती कम से कम अच्छा प्रोग्राम देवे है और जगह जगह प्रोग्राम करा के चार पैसा उमन ल मिले तो ओकर मन के जीवन रोटी चले, यही हमर मन के मोर कहना भाई। ये कार्यक्रम असल में भारत के मन की बात मोदी जी के साथ, इस कार्यक्रम के तहत हम सब यहाँ पर आए हैं। हमारे घोषणा पत्र समिति बनी है जिसमें महिलाओं की एक उपसमिति बनी है। ये महिलाओं की जो उपसमिति बनी है उसमें हम सब शामिल हैं, स्मृति ईरानी जी हैं और हम सभी लोगों ने देश भर के जो हमारी बहनें हैं, चाहे वो कला के क्षेत्र में हों चाहे सुदूर क्षेत्रों में रहती हों, और उसी तारतम्य में मैं कल कोंडा गाँव के आदिवासी बहनों से मेरी मुलाकात हुई है। उन बहनों ने भी घोषणा पत्र में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान आज राजानंद गांव जिले के डोंगर गांव के आयोजित लोक मंडई एवं कृषि मेला कार्यक्रम का शुभारंभ ज्योत कलश जलाकर किया है और नरवा गरवा घुरवा और बारी के स्टॉल के अलावा विभिन्न विभागों के स्टॉलों का जायजा लेते हुए स्कूली छात्रों को साइकिल वितरण कर डोंगर गाँव में लगभग 6 करोड़ रुपये लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। मंच से किसानों और सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत चेक वितरण कर मंडई मेला मैदान पर स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। उसके अनुरूप यहां उसका प्रदर्शन किया गया है। बहुत बधाई देता हूं, क्षेत्रीय विधायक ने खूब मेहनत की है, विभागों ने खूब मेहनत की, उन्हें बधाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले से सियास समुदाय के लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में सियास समुदाय के लोगों ने जिला मुख्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपना विरोध दर्ज कर कबला मैदान दुआकर शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसके बाद मैदान से मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। आप लोगों का विरोध प्रदर्शन है और ये किस मेजोरिटी के लोग निकाल रहे हैं? देखिए, वैसे तो हम लोगों का प्रदर्शन समस्त कौशाम्बी निवासी की तरफ से था, लेकिन मेजोरिटी हमारी शिया समुदाय की है और ये हम सब की तरफ से ये प्रदर्शन है कि हम सब जुल्म के विरोध में हैं, हम सब आतंकवाद के विरोध में हैं। लेकिन आतंकवाद में भी सिर्फ आतंकवादी वो नहीं जो प्यादा हैं, वो आतंकवादी जो सरे फहरिस्त हैं, और इसीलिए हम पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए हम मोहम्मद बिन सलमान का विरोध करने के लिए भी आए हैं। मोहम्मद बिन सलमान वही है जो 20 अरब डॉलर पाकिस्तान में देके आया है, वहाँ 20 अरब डॉलर मदद देके आया है, आप उसे गले लगा रहे हैं। उसे गले लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उससे सवाल करने की ज़रूरत थी कि आपने वहाँ 20 अरब डॉलर दिया क्यों? आतंकवादी, अगर आप उस देश को आतंकवाद की धुरी कहते हैं तो आतंकवादी की मदद करने वाला भी आतंकवादी होता है। अपना नाम? मेरा नाम ताज नगरी आगरा में एक परिवार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई। दरअसल जब बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और करीब 2 दर्जन बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को तुरंत नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये लोग मथुरा के गाँव परखम से थाना कागरौल क्षेत्र के गांव नौरंगपुर से वापस आ रहे थे कि उसी दौरान ये भीषण हादसा हो गया। इससे पहले भी नाले पर दर्जनों हादसे हो चुके हैं जिनमें कई की जान जा चुकी है। मैडम, ये आज जो हादसा हुआ है, क्या कहना है? ये गांव औरंगपुर है कागरौल थाने में। यहाँ से एक बारात गई थी परखमपुर फरह थाना मथुरा में। बारात के कुछ लोग वापस आ रहे थे बस में और यहाँ फरह रोड अचनेरा थाना अंतर्गत ये डिसबैलेंस हो गई बस और गिर गई, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो गए और 3 लोगों की कैजुअलिटी है। क्या स्थिति लग रही है बस की, कुछ थोड़ा बताइए। बस जो है वो एक तीव्र मोड़ था जिसकी वजह से वो अपना बैलेंस खो गया और जो प्रत्यक्षदर्शी उनका कहना है काफ़ी तेज स्पीड में बस चल रही थी और नीचे गड्ढे में खेत में गिर गई बस, और बस भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और जो लोग हैं वो भी उसमें काफ़ी घायल है। घायलों का भी जो घायल जो है वो सब SN मेडिकल कॉलेज आगरा में भर्ती करा दिए गए। करीब कितने लोग घायल? करीब 22 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के आगरा में चल रहे ताज महोत्सव में गजल गायक अल्ताफ राजा पहुंचे। अल्ताफ राजा ने मुक्ता काशी मंच पर पहुंचकर सबसे पहले पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद ऐसी प्रस्तुति दी जिसमें लोगों को झूमने को मजबूर कर दिया। गाना हर कर्म अपने करेंगे से शुरुआत कर उन्होंने आवारा हवा का झोंका है, तुम तो ठहरे परदेसी के साथ साथ तमाम गजलें गाई।
सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मेरी खुशनसीबी है कि आज इतने बड़े उत्साह उत्सव है, देश के अच्छे मेगा इवेंट में माना जाता है। और यूपी के गोंडा जिले में हुआ डबल मर्डर तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं समाज कल्याण कैबिनेट मंत्री मृतकों के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी कि इस मामले में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पुलिस इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले 2 युवकों को गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं मृतक की मां ने नामचीन व्यापारी के बेटे पर हत्या का लगाया है आरोप। कोई नहीं बचा, सब कार्रवाई होगी, बहुत सख्त कार्रवाई होगी। यार लच्ची भी गवर्नमेंट से गुन गवर्नमेंट वाले। अरे दादा रे, सबर रखिए, सबर रखिए सब। ২০১৯ लोकसभा चुनाव जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक गलियारों में नेताओं के हलचल देखने को मिल रही है। ताजा मामला प्रतापगढ़ का है, जहां भारतीय जनता पार्टी सांसद का जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। दरअसल सांसद विनोद सोनकर कौशाम्बी से सांसद हैं और अपने जनपद के दौरे पर थे, लेकिन उनका जबरदस्त विरोध हुआ। जैसे ही उनका काफिला कुंडा के शकरदाहा में पहुंचा, वो पहले से ही मौजूद राजा भैया के समर्थक विरोध करते हुए राजा भैया के समर्थन में नारे लगाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में मोरंग कारोबारियों के बीच चल रहा रास्ते का विवाद उस समय खूनी संघर्ष में बदल गया जब मोरंग माफिया ने एक युवक को गोली मार दी। इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने आरोपी युवक को जमकर मारा पीटा। भीड़ से जान बचाने के लिए जब आरोपी घर में घुस गया तो भीड़ ने घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे आरोपी युवक गंभीर रूप से झुलस गया। इस घटना में घायल हुए दोनों युवकों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना में भीड़ ने वहां खड़े एक ट्रैक्टर को भी आग के हवाले कर दिया। कटरी घाट में जो है खनन चल रहे हैं, और इससे पहले जो है केसरी नंदन का खनन चल रहा था, जिसमें जो है चलाने वाले समीर सिंह और झल्लर चौबे हैं। हमको बोला गया कि जो है आप दूसरे खंड की रास्ता ला दीजिए, क्योंकि किसान हैं, हमको एक तरफ से हमने लोगों को भी रास्ता दी है और दूसरी तरफ दूसरे ठेकेदार को भी रास्ता दी है। दूसरे को देने के लिए इन्होंने हमारे साथ विरोध किया कि आप उनको एक पेशेंट पश्चिम, दो पेशेंट पश्चिम शरीर से आए अलग अलग। एक तो गन शॉट का है, पता नहीं गोली लगी हुई है, जिसका प्राथमिक उपचार कर दिया गया, एक्सरे के लिए एडवाइस कर दिया गया है। एक बर्न का पेशेंट आया उसी थाना क्षेत्र से, जो जली हुई अवस्था में है, 35% बर्न है, जिसको चारे तो भर्ती कर लिया गया। जो जला हुआ है, क्या उसे पेट्रोल डाल के जलाया गया, कैसे जलाया? स्मेल तो आ रही है, पेट्रोलिंग में स्मेल आ रही है। नीरज नाम का एक व्यक्ति है और उसका झल्लर नाम के व्यक्ति से काफ़ी दिन से विवाद चल रहा था। आज सुबह झल्लर ने उस पर फायर किया, गोली कंधे में लगी है, यहाँ पर एडमिट है, ठीक है, अभी उससे बातचीत हुई है। और इस बीच झल्लर गोली मारने के बाद पास में एक ऑफिस था घाट का, उसमें घुसा, पब्लिक ने घेर लिया और कुछ आग लगाने का प्रयास हुआ, कुछ बर्न है इसके, ये भी यहाँ एडमिट है, इसका तमंचा भी मिल गया है मौके पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार।